गुड मॉर्निंग क्लास थ्री के बच्चों, आज मैं आप लोगों को व्याकरण के किताब से ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सूची में कुछ प्रश्न बता रहा हूं। इस प्रश्न को आप लोग फिर ध्यान से देंगे। परीक्षा जो आज से होने वाली थी शुरू, वह परीक्षा कैंसिल हो गई है। वह परीक्षा फिर आप लोगों में से चला गया होगा, 15 तारीख से होने वाली है। उस हिसाब से आप दूसरे रूटीन को देख लेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखिए यहाँ प्रश्नों में, चूँकि परीक्षा केवल बहुविकल्पी प्रश्नों के होंगे, वैकल्पिक प्रश्नों के होंगे, तो सबसे पहले आज मैं आपको लिंग चैप्टर से यह बताने जा रहा हूँ कि पुरुष शब्द का स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। पुरुष शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब देखिए पुरुष शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की होगा कि स्त्री होगा कि बच्ची होगा कि औरत होगा? तो पुरुष का क्या होगा? स्त्री। अब कहिएगा कि औरत क्यों नहीं होगा? तो ये आदमी शब्द का औरत होता है, इसलिए नहीं होगा। आदमी शब्द का स्त्रीलिंग औरत होता है, इसलिए नहीं होगा। पुरुष शब्द का क्या होगा? स्त्री होगा। इस तरह से ऑप्शन आपका स्त्री है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, गुड़िया शब्द का पुल्लिंग, गुड़िया एक शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? तो गुड़िया शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? गुड्डी होगा, गुड़िया होगा, गुड्डा होगा, या फिर गुड़िया होगा। तो अब देखिए यहाँ गुड़िया शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? गुड्डा होगा। उसके बाद यहाँ देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब इसमें से देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मोर, घोड़ी, गाय, हथिनी स्त्रीलिंग नहीं है। हथिनी स्त्रीलिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग है, तो यह मोर शब्द जो है वह स्त्रीलिंग नहीं है। इस तरह से आप इसको देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए वचन में आ जाइए। अब वचन में आ जाइए तो आपके पास ये फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तिका। बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। यहाँ अनुस्वार की मात्रा है, यहाँ अनुस्वार की मात्रा नहीं है। उसके बाद सब्जियाँ शब्द का एक वचन क्या होगा? सब्जियाँ, ये बहुवचन रूप है। अब इसका एक वचन क्या होगा? तो एक वचन में आइए तो देखिए एक वचन में सब्जी होगा। उसके बाद इनमें से एक वचन है। अब इसमें देखिए 4 शब्द हैं, कौन शब्द है जो एक वचन का है? आँखें, भेड़, पत्ते, गेंदे, तो भेड़ शब्द जो है वह एक वचन का। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, फिर दूसरे दिन दूसरा चैप्टर बताऊँगा।